दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक संवाददाता सम्मेलन में जहां झुग्गी वहीं मकान और राजीव रतन आवास के तहत बनाए गए फ्लैटों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी गरीबों के हमदर्द बनने का ढोंग करके उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि कल शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली की जनता को जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा करके दिल्ली के 10 लाख झुग्गी वालों से वोट लेने के लिए गुमराह करने वाला बयान दिया है, जबकि वास्तविकता में जहां झुग्गी वहीं मकान का मॉडल कांग्रेस की विचारधारा व सोनिया गांधी की सोच की उपज है। नरेंद्र मोदी जी जो क्रेडिट ले रहे हैं वो कालकाजी फ्लैटों का ले रहे हैं। राजीव आवास योजना है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएट की थी, 42,000 मकान बने, फ्लैट बने, वो किन के लिए बने थे? गरीब आदमियों के लिए, जिन जो होमलेस थे उनको लाड क्यों नहीं कर किया? आज वो जर्जर हो गया मकान। और उसके बाद पिछले साल फरवरी के अंदर आपकी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लिखती है दिल्ली गवर्नमेंट को कि इनको आप किराए पे दे दिया जाए। आप कौन होते हैं भाई? एक स्कीम के तहत वो गरीबों को बांटने के लिए थे फ्लैट्स, आप उसको किराए की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर मोहर लगाते हैं केजरीवाल जी। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम इनको किराए पे देंगे। आप जो गरीबों का अधिकार है ये दोनों पार्टियाँ छीनना चाहती हैं, जिसके हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे ये जो झूठ का की बोटली लेके घूम रहे हैं दोनों पार्टी, इसमें जैसे मैंने कहा काल के ये फ्लैट किसने बनाए? हम लोगों ने बनाए, तब तो भाजपा शासन में नहीं थी। ये मॉडल तैयार हमने किया, राहुल गांधी जी वहाँ गए थे। ये देखिए, ये ओपनिंग की, ये राहुल गांधी उसको देखने गए फ्लैटों को। ये मॉडल आज क्रेडिट ले रहे हैं देश का प्रधानमंत्री, किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय अस, और आज उसको जो 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था उसको 9 साल लगा दिए। जो 206 करोड़ का बना था उसको 345 करोड़ खर्च करा दिए। तो ये सारे का सारा जो और क्रेडिट ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने चाबी दे दी इसलिए क्रेडिट ले रहे हैं, हम ऐसे मकान बनाएंगे। वी आर प्राउड कि कांग्रेस ने ये मॉडल बनाया और प्रधानमंत्री जी भी स्वीकार करें कि हम ऐसे बना के देंगे। राजीव रतन आवास योजना 2008 में कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने इस नाम से शुरू की थी, जिसमें हमने 100 रुपये का आवेदन पत्र मांगा था लोगों से। 2,77,000 लोगों ने लगभग उसमें आवेदन किया था, जिनको मालिकाना हक के साथ एक बढ़िया फ्लैट बना के देना था, जिसकी कुछ कीमत तय की गई थी, लगभग मुझे ध्यान है कि 60,000 के आसपास। आज हालात क्या है, 2013 में 42,000 से ज़्यादा फ्लैट बनके तैयार हो गए, पूरी तरह फर्निश्ड बढ़िया फ्लैट जिसमें टाइलें लगी हुई हैं किचन में, जिसमें बाथरूम में टाइलें लगी हुई, और वो 42,000 से ज़्यादा फ्लैट सरकार बदल गई आज तक आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। वो इस हालात में, इस जर्जर हालात में, खस्ताहाल में पहुँच गए कि वो तो बिल्डिंगें ही खतरनाक हो गई, ना आप उनके लिए कोई चौकीदार रख पाए, ना उनका मेंटेनेंस देख पाए। आपने उन गरीबों के, बेघर गरीबों के जो सपना था उसको चकनाचूर कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नए फ्लैट बनाएंगे इतने लोगों को, अरे भैया जो बने हुए फ्लैट थे, जो 42,000 से ज़्यादा तैयार फ्लैट थे जिनकी सिर्फ आपने आवंटन करना था, चाबी सौंपनी थी, वो भी नहीं कर पाए। और अब इस स्कीम में पता लगा है कि दूसरी बार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि मालिकाना नहीं हक, हम तो लीज पे या किराए पे देंगे। तो ये मजाक है और निश्चित तौर पे एक बड़ा धोखा है गरीबों के साथ। कांग्रेस पार्टी राजीव रतन आवास योजना में गरीबों की हमदर्द थी, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। हमने हमेशा गरीबों के न्याय की लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये ड्रामेबाजी और ये सब बंद हो और गरीबों को आवास मुहैया और आवंटन करें, ये काम करना चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।